राधा कृष्ण मंदिर में फूलडोल मेला की हुई प्रेस वार्ता। सर्वसम्मति से अनीत यादव को चुना गया अध्यक्ष। बताया जल्द ही होगा आगे की कमेटी का गठन। फिरोजाबाद हर साल की भांति इस साल राधा कृष्ण मंदिर में फूलडोल मेला की वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें मेला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसमें अनीत यादव को सर्वसम्मति से मेला अध्यक्ष चुना गया। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी फूलडोल मेला के लिए सर्वसम्मति से युवा अनीत यादव को अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष अनीत यादव का स्वागत किया गया। उन्होंने भी सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आशीर्वाद लिया, साथ ही इस जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने और जल्द ही पूरी कमेटी का गठन करने की बात कही। इस दौरान मेला अध्यक्ष अनीत के संबंध में रखी गई है। फूलडोल मेला हर साल होता है, इसका चुनाव हुआ है आज जी। मैं अध्यक्ष चुना गया, इसमें अनीत सिंह अध्यक्ष चुने गए और कमेटी के पदाधिकारी कब तक के पदाधिकारी अब अभी गड़ा बनाए जाएंगे। मतलब कब से कब तक चलता है ये मेला? ये तीज वाले दिन चलता है। मतलब आज कमेटी का चुनाव हुआ है जिसमें अनीत यादव जी को अध्यक्ष चुना गया। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए क्या तैयारी है? मुझको जो समाज ने जिम्मेदारी दी है उसको अधूरी निभाऊंगा। कमेटी अपनी कमेटी बनाकर मेले में चार चांद लगाने का काम करूंगा। सर्वसम्मति से सबके सूझबूझ से मेले को बढ़िया से बढ़िया लगाने का कार्य करूंगा। और आगे पूरी कमेटी कब तक गठित हो जाएगी? हमारी कमेटी दो चार दिन में गठित हो जाएगी और बहुत से बहुत जल्द इसकी पत्रकार वार्ता करके आपको जानकारी दे दी जाएगी।